नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। आज इस वीडियो पर हम आर्थिक सर्वेक्षण के अगले चैप्टर पर बात करने वाले हैं, चैप्टर 5, जो कि आधारित है लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस पर, अर्थात सरकार की आय और व्यय। देखिए, 4 चैप्टर पर आधारित ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसे भी देख लें, ऐसा मेरा आपके लिए सुझाव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि जब हम लोक वित्त शब्द सुनते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, लोक वित्त अर्थात आप इसे सार्वजनिक आय और व्यय की कहानी भी समझ सकते हैं। सरकार सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बिंदुओं पर केंद्रित ऐसी नीति बनाती है, जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। आसान शब्दों पर हम कह दें तो राजकोषीय नीति को आप विभाजित कर सकते हैं राज अर्थात सरकार, कोष अर्थात आय और व्यय, और नीति अर्थात प्लानिंग। तो जब गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो प्लानिंग होती है, उसी प्लानिंग को हम यहाँ पर राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, या फिर पब्लिक फाइनेंस, या फिर लोक वित्त कह दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का अगले स्लाइड से, और सबसे पहले हम राजस्व प्राप्ति की कहानी देखते हैं। आप इस इमेज पर देख रहे होंगे कि राजस्व प्राप्ति दिया गया है, और इस राजस्व प्राप्ति को हमने 2 वर्गों पर बांट दिया है। तो राजस्व प्राप्ति क्या होती है, अर्थात किस प्रकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। तो सरकार की ऐसी प्राप्ति जो सरकार पर देयता का सृजन नहीं करती या किसी संपत्ति को बेचकर प्राप्त नहीं की जाती सरकार के द्वारा, उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं कि दोस इनकम विच डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी ओवर द गवर्नमेंट एंड हैव नॉट बीन जनरेटेड बाई सेलिंग एनी काइंड ऑफ एसेट एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देयता का सृजन कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी इस प्रकार की इनकम गवर्नमेंट की नहीं जो सरकार को लौटाना पड़े या फिर सरकार इसे लौटाने के लिए बाध्यकारी हो, ऐसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, और हर वह प्राप्ति राजस्व प्राप्ति का हिस्सा बनेगी। जैसे कि कर के माध्यम से सरकार जो आय यहाँ पर उगाही करती है वो सरकार को लौटाना नहीं पड़ता, तो ये सरकार के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा बनती है। लेकिन सरकार अगर उधार लेती है तो ये इस प्रकार की प्राप्ति है जिसे सरकार लौटाएगी, इस पर ब्याज भी लौटाएगी, और नियत तारीख पर सरकार इसके मूलधन को भी लौटाती है। तो ये इस प्रकार की प्राप्ति होगी जो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करे, तो ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं बनती। तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा किस प्रकार की आय बनाएगी, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, जो सरकार के ऊपर लायबिलिटी या देयता का सृजन नहीं करती। तो इसे हम 2 वर्गों पर यहां पर विभाजित करते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। जब आप कर राजस्व सुनेंगे तो अलग अलग प्रकार के करों के माध्यम से सरकार को जो आय मिलेगा उसे हम कर राजस्व वाले वर्ग पर रखेंगे, और ऐसे आय जो गैर कर राजस्व हैं और ऐसे आय जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, जैसे कि गवर्नमेंट मान लीजिए किसी प्रकार की सेवाएं दे रही है, उस सेवाओं की बिक्री से सरकार को जो आय मिलता है उस प्राप्ति को आप गैर कर राजस्व के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण के तौर पर आप रेल यात्रा को ले सकते हैं मोटा मोटा हिसाब से, लेकिन वो राज्य के अंदर नहीं आता, वो राष्ट्र या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपको एक बता दिया कि सरकार जब सेवाओं की बिक्री करती है तो उसका तात्पर्य क्या है। तो चलिए, यहाँ पर हमें राजस्व प्राप्ति 2019-20 में जो अनुमानित किया गया वो कितना था, तो ये हमें 79,786 करोड़ रुपए राशि के रूप में देखने को मिलेगी, और जो प्रतिशत वृद्धि हमें देखने को मिल रही है वो 7.72% है। अर्थात वर्ष 2018-19 में जितना सरकार को राजस्व प्राप्ति मिला था उसमें से 7.72 अन्य यहाँ पर प्राप्ति पे इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया 2019-20 के लिए। तो देखिए, ये इस प्रकार की जो आपको यहाँ पर प्राप्तियाँ दिख रही हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार के अनुमानित आंकड़े हैं। तो जब भी आपको अग्रिम अनुमान या फिर बजटीय अनुमान देखने को मिलेगा तो आप समझ लेना कि इतना पाने का या इतना आय और इतना व्यय अपने पास से लाने का और व्यय करने का सरकार ने अनुमान लगाया था। जब इन्हीं वर्ष वाले जो यहाँ पर टर्म होंगे उनके सामने जब आपको पुनरीक्षित अनुमान या रिवाइज एस्टीमेट दिखेगा तो आप समझ लेंगे कि वास्तविक में इतने आंकड़े मिले हैं। तो अग्रिम अनुमान अर्थात कि आगामी साल में हमें इतना मिलने वाला है, और पुनरीक्षित अनुमान या रिवाइज एस्टीमेट अर्थात कि एक्चुअल में या वास्तविक रूप में हमें इतनी आय मिल चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कर राजस्व कितना बना। तो 79,746 करोड़ रुपए में हमें देखने को मिलता है कि 50,847 करोड़ रुपए राशि कर राजस्व के माध्यम से है, और गैर कर राजस्व के माध्यम से हमें 28,899 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें राजस्व प्राप्ति पर किसका भार अधिक देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा भार देखने को मिल रहा है कर राजस्व का। अब प्रतिशत वृद्धि अगर आप देखें
तो कर राजस्व में 9.55% की वृद्धि है और वहीं गैर कर राजस्व में हमें ये वृद्धि 4.66% देखने को मिलेगी। अब इस पर आधारित प्रश्न पर हम नजर डालते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा इन आंकड़ों के आधार पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन कहता है कि वर्ष 2019-20 में राज्य की राजस्व प्राप्ति का मूल्य 79,746 करोड़ रुपए है, तो क्या ये सही है? तो इस आंकड़े के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.72% वृद्धि अनुमानित है, तो ये कथन भी हमें सही देखने को मिलता है इसके माध्यम से। तीसरा कथन अगर हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 9.72% वृद्धि अनुमानित है, तो ये वाला जो हमारा कथन है ये गलत कथन दिखता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन के तौर पर हमें वो वाला ऑप्शन दिखेगा जहां पर कथन एक और दो को सही ठहराया गया है, जैसा कि इसमें ऑप्शन सी, तो ये हमें सही उत्तर मिल गया। तो इस तरीके के पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अन्य प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो एक तरफ कॉलम पर आपको राजस्व प्राप्ति के अलग अलग वर्गों का विवरण दिया गया है और दूसरे कॉलम पर यहां पर वृद्धि दर दिए गए हैं उनके जो सामने या जो समकक्ष होंगे। कुल राजस्व पे कितने प्रतिशत, पहले तो हम कूट रूपी ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो कुल राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितने देखने को मिली है, तो कुल राजस्व में हमें प्रतिशत वृद्धि 7.72% देखने को मिला है, तो हमें ए का थ्री हमें सही यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ए का थ्री हमें यहां पर दो ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है, तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेशन मेथड से यहां पर क्या कर दिए, हटा दिए। अब कर राजस्व की वृद्धि दर अगर हमें देखने को मिलेगी तो कर राजस्व की वृद्धि दर हमें 9.55% देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार से आप बी के वन तक पहुंच सकते हैं। तो बी का वन हमें कहां दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन बी पर, तो सी ऑप्शन भी यहां पर गलत ऑप्शन हो जाता है और सही उत्तर के तौर पर आप चुन लेंगे ऑप्शन बी को सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और इस आंकड़ों पर आधारित कुछ जानकारी देख लेते हैं और इस पर आधारित फिर प्रश्न के साथ इसे समाप्त करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि राजस्व प्राप्ति के दो वर्ग होते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अब हम उसमें से पर्टिकुलरली कर राजस्व को यहां पर देखने वाले हैं। कर राजस्व को भी दो वर्गों पर यहां पर बांट दिया गया कि पहला वर्ग अगर आप देखें तो कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश, अर्थात टोटल जो टैक्स रेवेन्यू होगा, जो कर राजस्व होगा, उसमें से राज्य सरकार के जो कर थे उसका प्रतिशत कितना था या उसका अंश कितना था, उसका विवरण यहां दिया गया है, और केंद्रीय करों का अंश कितना होगा उसका विवरण यहां पर दिया हुआ है। तो दो हिस्सों में हमने इसे बांट दिया, पहला राज्य के स्वयं के करों का अंश और दूसरा हिस्सा हमने बांट दिया केंद्रीय करों का अंश। यहां पर आप देखेंगे कि प्रमुख योगदान करों में केंद्रीय करों का अंश होता है। ये वाला जो लाइन है इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। इसका कहने का अर्थ है कि जब हम कुल कर राजस्व में देखें तो जो प्रमुख योगदान दिखेगा वो केंद्रीय करों का अंश दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 54.90% केंद्रीय करों का अंश है कुल कर राजस्व में राज्य की जो प्राप्ति हुई है राजस्व खाते में। दूसरा आपको यहां पर पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 28.75% अनुमानित है। तो कुल राजस्व प्राप्ति जो टोटल प्राप्ति हुई है उसमें से कर राजस्व का जो योगदान है वो 28.75% देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालें तो यहां पर आपको प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में देखने को मिलेगा। तो 2019-20 में आपको ये 9.55% देखने को मिल रहा है, 2018-19 में 14.18% और 2011-12 से 2019-20 ये प्रतिशत आपको 14.96% देखने को मिलेगा। इसमें से याद रखने वाली जो चीज़ है वो 19-20 का आप याद रखेंगे और 2011-12 से 2019-20 के प्रतिशत वृद्धि को आप याद रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 19-20 का याद करना है क्योंकि ये करंट फैक्ट है और 11-12 से 19-20 जो होगा वो एवरेज दिखाएगा, अर्थात सरकार की कर उगाही की व्यवस्था को यहाँ पर दर्शा रहा है, या फिर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कर उत्प्लावकता या टैक्स बोयंसी को दर्शा रहा है ये 2011-12 से 2019-20 का प्रतिशत वृद्धि। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि टैक्स बोयंसी का अर्थ आप क्या समझते हैं और अच्छी टैक्स बोयंसी
का क्या तात्पर्य होता है और सरकार के राजकोषीय नीति को ये किस तरीके से दर्शाता है, अर्थात इसका पैमाना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर संबंधित प्रश्न देखते हैं कि राज्य के कर राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। कथन पहला हमें देखने को मिलेगा कि राज्य के कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों का अंश राज्य के स्वयं के करों के अंश से तुलनात्मक रूप से अधिक है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो राज्य के स्वयं के करों का अंश 45.10% है और केंद्रीय करों का अंश 54.90% है। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 100% यहाँ पर बन जाएगा। तो केंद्रीय करों का अंश हमें देखने को ज़्यादा मिलता है तुलनात्मक रूप से राज्य के स्वयं के करों के अंश से। दूसरा कथन अगर हम देखें तो कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान 28.75% अनुमानित है। तो ये कथन भी सही है अगर हम यहाँ पर इस इमेज पर लास्ट वाले पॉइंट को देखें तो। अब हमारे सामने ऑप्शन मिलता है केवल एक सही, ऑप्शन बी मिलता है केवल दो सही, ऑप्शन सी मिलता है एक और दो सही और ऑप्शन डी मिलता है इनमें से कोई नहीं। और हमें पता है कि सही उत्तर है एक और दो, दोनों ही कथन सही है, तो सही ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो एक तरफ आपको कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि के बारे में कुछ दिया गया है और दूसरे तरफ आपको दिया गया है पिछले वर्ष की तुलना पर, अर्थात इस आंकड़े पर आधारित ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। कूटरूपी ऑप्शन यहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं। 2019-20 में जो पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि हमें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 9.55%। इसके आधार पर आप पहुँच गए कि ए का 3 होने वाला है जो कि ऑप्शन बी और सी पर दिख रहा है। तो ऑप्शन ए को आप काट दीजिए, ऑप्शन डी को आप काट दीजिए और बी और सी में से अब आपको कोई एक सही चुनना है। 2018-19 में हमें 14.18% देखने को मिलेगा, तो हम समझते हैं कि बी का 2 यहाँ पर जहाँ होगा वो सही ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी हमें सही होता हुआ दिख रहा है। और ऑप्शन सी 2011-12 से 2019-20 का जो प्रतिशत वृद्धि हमें देखने को मिलता है वो है 14.96%, और सही उत्तर के तौर पर हमें ऑप्शन बी मिल चुका है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित अन्य प्रश्न भी देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सत्य विकल्प का चयन करें। असत्य आधारित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पैटर्न को आप फॉलो करते रहें। तो मेरे सभी वीडियो पर आपको ऐसे पैटर्न कॉमनली दिख रहे होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि इस पैटर्न पर प्रश्न पूछने का जो तरीका है अब CGPSC फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य के स्वयं के करों का प्रतिशत वृद्धि 3.57% है। तो इसको देखने के लिए हम इस फैक्ट पर चलते हैं कि राज्य के स्वयं के करों का अंश प्रतिशत वृद्धि 3.57% है। तो पहला कथन तो हमें सत्य देखने को मिल रहा है। दूसरा कथन अगर हम देखें या दूसरा ऑप्शन देखें तो कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों के अंश में कर राजस्व की हिस्सेदारी 54.90% है। ये गलत है क्योंकि सही जो परसेंटेज भागीदारी है वो 45.10% है, तो ये कथन गलत हो चुका। ऑप्शन सी पर अगर हम जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों के अंश में कर राजस्व की हिस्सेदारी 45.10% है, तो ये भी गलत हो गया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बी और सी को एक दूसरे के साथ मिसमैच करके कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है इस प्रश्न के माध्यम से। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमें पता है कि कथन एक या ऑप्शन ए जो है वो सही कथन है और इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए कि राज्य के स्वयं के करों का प्रतिशत वृद्धि 3.57% है। तो इस पर आधारित प्रश्नों के पैटर्न को हमने देख लिया, अब इस जानकारी को हम देखते हैं और इस जानकारी के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आधारित प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है गैर कर राजस्व का विवरण। अभी तक आपने कर राजस्व का विवरण देखा था, अब ये गैर कर राजस्व का विवरण आपके सामने आ चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक केंद्रीय सहायता अनुदान से कितना होगा और राज्य का गैर कर राजस्व कितना होगा। तो गैर कर राजस्व को भी दो हिस्सों में बांटा गया है कि राज्य का गैर कर राजस्व कितना हिस्सा होने वाला है और केंद्रीय सहायता से जो अनुदान प्राप्त होता है वो कितना होने वाला है, उसके बारे में ये पूरा विवरण दिया गया है। और टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर 19-20 की 28,899 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी तक हमने दिए गए आंकड़ों के आधार पर ये तो समझ लिया कि गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता अनुदान यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू बना रहा है, अर्थात
गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का होता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं इस पर कि वर्ष 2019-20 पर राज्य को प्राप्त गैर कर राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करें, मैच द फॉलोइंग करना है आपको, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुल गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता का प्रतिशत है, तो कुल गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता का प्रतिशत आपको देखने को मिल रहा है 69.46%। तो 1 का 2 यहां पर हमें सही होता हुआ दिख रहा है। अब ए का अगर हमारा 2 सही बनता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को आप काट दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास 50-50 वाला मामला पहुंच चुका है। दूसरा यहां पर देखने को मिलता है कि कुल गैर कर राजस्व में राज्य के गैर कर राजस्व का प्रतिशत है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 30.54%। तो इस प्रकार से आप यहां पर पहुंच गए बी का 1। सी पर अगर आप जाएं कि गैर कर राजस्व में राज्य के गैर कर राजस्व का वर्षवार प्रतिशत वृद्धि है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है 7.62%, अर्थात सी का 3। तो सही ऑप्शन के तौर पर हमें ऑप्शन बी दिखता है कि ए का 2, बी का 1 और सी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राजस्व प्राप्तियां और व्यय दोनों के सामूहिक आंकड़ों को देखते हैं और सामूहिक आंकड़ों पर आधारित भी प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न बहुत ही जाना पहचाना आपको देखने को मिलेगा कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चयन करें। तो असत्य विकल्प आ चुका है। देखिए यहां पर हम कुछ और भी यहां जानकारी देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लें कि पुनरीक्षित अनुमान आपको देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए यहां पर आपने 2018-19 में पुनरीक्षित अनुमान देखा, इसका मतलब यह है कि जब 2018-19 का वर्ष था तो 2018-19 के लिए कुछ बजटरी एस्टिमेट बनाया गया था बीई, जिसे हम ब और आ से डिनोट करते हैं, कि अब इस बजटरी एस्टिमेट अर्थात 2018 के वित्तीय वर्ष पे 2018 के मार्च के आसपास में हम खड़े होकर ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष पर कितनी आय और व्यय होगी, और जब ये साल खत्म हो गया तो वास्तविक रूप से कितना आय और व्यय हुआ है इसके आंकड़ों को हमने रिवाइज किया, तो रिवाइज एस्टिमेट कहेंगे आप उसे कहेंगे पुनरीक्षित अनुमान। तो ज़्यादा एक्चुअल फिगर हमें कौन देगा 2018-19 का बजटरी एस्टिमेट की रिवाइज एस्टिमेट या पुनरीक्षित अनुमान, तो बेशक तौर से रिवाइज एस्टिमेट ज़्यादा एक्चुअल आंकड़े हमारे सामने लेकर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पर और यहाँ पर हम असत्य विकल्प का चयन करेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है कि राज्य में वर्ष 2018-19 पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा की स्थिति रही थी। तो कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे कि राजस्व घाटा का तात्पर्य क्या होता है और बढ़ते हुए राजस्व घाटा से आप क्या तात्पर्य निकालेंगे और गिरते हुए राजस्व घाटे से आप क्या तात्पर्य निकालेंगे, और ये अच्छी स्थिति को दर्शाता है किसी भी सरकार के राजकोषीय नीति का या नहीं। तो ये कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप राजकोषीय नीति जैसे अवधारणाओं से कितने ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी पर हमें देखने को मिलेगा कि राज्य में वर्ष 2019-20 के अनुसार राजस्व अधिक की स्थिति रही थी। ऑप्शन सी पर चलते हैं कि वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी, और ऑप्शन डी कहता है कि वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि ऑप्शन बी क्या कहता है कि राजस्व घाटा की स्थिति रही थी वर्ष 2018-19 पर, तो ये हमें सही होता हुआ दिखता है। ये हमें माइनस 6341 करोड़ रुपीज़ का वैल्यू दिख रहा है, और अगर माइनस दिख रहा है मतलब ये घाटा की स्थिति है, अर्थात सरकार के राजस्व खाते में हमें ये देखने को मिलेगा कि आय से ज़्यादा खर्च हुए हैं, और कितना खर्च ज़्यादा हुआ आय से, तो 6341 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं दूसरे कथन को देखते हैं कि राजस्व अधिक की स्थिति रही है 2019-20 में, तो ये भी हमें दिखता है प्लस में वैल्यू, और ये कथन भी हमारा या ये ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन हमें असत्य वाला खोजना है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी में कि राजस्व व्यय में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी 2019-20 में, तो -2.21% हमें देखने को मिलेगा राजस्व व्यय पर, तो ये वाला कथन भी सही हो जाता है। तो सही ऑप्शन के तौर पर हम ऑप्शन डी चुनेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि
राजस्व प्राप्ति में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि हमें राजस्व प्राप्ति में 7.72% का इजाफा होता हुआ दिखेगा। तो दिए गए क्वेश्चन के आधार पर सही ऑप्शन मिलता है हमें ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अब राजस्व व्यय पर आधारित ये आंकड़े हैं और इस पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल राजस्व व्यय में सर्वाधिक भागीदारी किसकी रही है। हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, ब्याज, पेंशन, वेतन एवं भत्ते, मजदूरी, अन्य। तो अगर आप प्रश्न पे ना भी जाएं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर अन्य का भागीदारी देखने को मिल रहा है 53,024 करोड़ राशि का, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है वेतन एवं भत्ते का। अब हमारे सामने ये ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी वेतन एवं भत्ते और ऑप्शन डी मजदूरी। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि सर अन्य वाला सबसे ज़्यादा है लेकिन दिया नहीं गया है। तो प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अर्थात जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनमें से सर्वाधिक यहाँ पर भागीदारी किसकी है। तो सही उत्तर के तौर पर आप चुनेंगे वेतन एवं भत्ते को, क्योंकि ये अन्य के बाद में सेकंड पोजीशन पर बना हुआ है, और सही आंसर मिल जाता है हमें ऑप्शन सी वेतन एवं भत्ते। आगे बढ़ते हैं, अब राज्य की वित्तीय स्थिति पर आधारित भी हम जानकारी देखते हैं और इसके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो भी हम साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियाँ और आपको यहाँ पर पूरी प्राप्ति वित्तीय स्थिति की जानकारी दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि वर्ष 2019-20 बजटी अनुमान, अर्थात 19-20 का जब बजट बनाया गया तो उस बजट पर क्या अनुमान लगाया गया था कि स्थिति में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां हैं। तो हमें यहां पर कुल राजस्व प्राप्तियों के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है कि 79,746, और ये यहां पर आप देख भी रहे होंगे तो सही ऑप्शन के तौर पर आपको ऑप्शन ए मिल गया। लेकिन आप अपनी आदत पे सभी ऑप्शन पर नज़र डालना जरूर शुमार कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसे आप सही समझ रहे होते हो वो एक्चुअल में होता नहीं है और आपसे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। ऑप्शन बी चलते हैं कि 91,542 रुपये, फिर उसके आप दिखेगा 97,746 करोड़, और ऑप्शन डी दिखेगा इनमें से कोई नहीं, और आपको पता है कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अब इसी पर आधारित अन्य प्रश्न भी देखते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। क्या क्या है कथन? कथन एक, राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से प्राप्तियों का हिस्सा राज्य के राजस्व से अधिक है। ये तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे और ये सत्य कथन ऑलरेडी बना ही हुआ है। कथन दो कहते हैं कि राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से है। तो ये कथन भी हमारा सही हो जाता है यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर। और हमें तीसरा कथन देखने को मिलता है कि वर्ष 2019-20 बजटीय अनुमान के अनुसार राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में है। अब ये देखना है कि बात सही है कि गलत है। तो आप यहाँ पर देखें कि राजस्व घाटे की स्थिति नहीं है, राजस्व अधिक की स्थिति है, और ये वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। और इसलिए जब कूट रूपी ऑप्शन पर आप पहुँचें तो आपके सामने ये अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं, तो आप थर्ड वाले को काट दीजिए और आपको सही ऑप्शन के तौर पर मिलता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी आंकड़ों पर आधारित अन्य प्रश्न देखते हैं कि राज्य में वर्ष 2019-20 बजटी अनुमान के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा है। तो जिस प्रकार से राजस्व प्राप्ति के बारे में आपने जाना कि राजस्व प्राप्ति सरकार की वो प्राप्ति होगी जिसमें सरकार के ऊपर देयता का सृजन नहीं होता, अर्थात इस प्राप्ति को सरकार लौटाने के लिए बाध्यकारी नहीं होती, पूंजीगत प्राप्ति में वो प्राप्तियों को शुमार किया जाता है, शामिल किया जाता है जिन प्राप्तियों को सरकार लौटाने के लिए बाध्यकारी हो, जैसे कि उधार। तो अब यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति आप यहाँ देख रहे होंगे, पूंजीगत प्राप्ति, और यहाँ पर उसके सारे फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको हिस्सा किसका होता हुआ दिखेगा, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो शुद्ध लोक ऋण यहाँ पर हमें ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए किस ऑप्शन पर ये हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी? तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, और ये हमें मिल चुका है कि शुद्ध लोक ऋण का हिस्सा पूंजीगत प्राप्ति में सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित ये अन्य प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2019-20 में राज्य की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें।
तो अलग अलग हमें यहाँ पर विकल्प देखने को मिल रहे हैं, कथन देखने को मिल रहे हैं कि राजस्व प्राप्ति में केंद्र से प्राप्तियों की भागीदारी राज्य की तुलना में अधिक है। ये तो सही बात है। पूंजीगत प्राप्ति में सर्वाधिक भागीदारी शुद्ध लोक ऋण का है, ये कथन भी सही है। कथन तीन कहता है कि राजस्व अधिक का मूल्य 1151 करोड़ रुपए का है और ये भी सही है। तो तीनों ही कथन हमें सही होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन इस दिए गए राज्य की वित्तीय स्थिति वाले आंकड़ों के आधार पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब राजकोषीय सूचकों के आधार पर कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार की ये जानकारी हैं और इन पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न कहता है कि बजटीय अनुमान के अनुसार राजकोषीय सूचक में ये वाला फैक्टर आप देख रहे होंगे कि राजस्व की प्राप्तियाँ डिवाइडेड बाय कुल प्राप्तियाँ, मतलब कुल प्राप्तियों में से राजस्व खाते वाली प्राप्तियों का भाग कितना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 87.11%। आपको यहाँ पर ये सबसे पहला फैक्ट देखने को मिल रहा है कि राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कुल प्राप्तियों में। ऑप्शन बी कहता है 72.21%, ऑप्शन सी कहता है 86.41% और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 87.11%। अब इसी पर आधारित अन्य प्रश्न हम देखते हैं कि वर्ष 2019-20 बजटीय अनुमान के अनुसार राजकोषीय सूचक में ये राजस्व व्यय कुल व्यय का भाग कितना है, अर्थात राजस्व में जो व्यय किया गया, राजस्व खाते में जो व्यय किया गया है वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा है। तो ये हमें देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर 86.45%। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये आप मुझे बताएंगे कि टोटल वैल्यू में से राजस्व व्यय का 86.45% चला गया, मतलब रिमेनिंग 13-14% पार्ट ही ऐसा होगा जो पूंजीगत व्यय पर गया होगा। अब पूंजीगत व्यय किस प्रकार का व्यय होता है ये आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे और बताएंगे कि ये 86.45% अच्छा है या बुरा है। ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखता है 87.11%, तो ऑप्शन बी कहता है 72.21%, ऑप्शन सी कहता है 86.45% और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। और आपको पता है सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 86.45%। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं आंकड़ों पर आधारित और प्रश्न देखते हैं कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का कुछ यहाँ पर भाग प्रतिशत दिया हुआ है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का। तो अब ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है 98.56%, ऑप्शन बी दिखता है 86.45%, ऑप्शन सी कहता है 99.31% और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये जवाब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 98.56% और सही ऑप्शन मिलता है 98.56%। तो राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्ति में 98.56% है, अर्थात राजस्व प्राप्ति का कुछ हिस्सा बच जाएगा, उसे ही हमने क्या कहा है, ये 2% के आसपास कुछ यहाँ से बचेगा, 2% के आसपास जो बचेगा उसे ही हमने क्या कहा है, राजस्व अधिक 1151 करोड़ रुपए की राशि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी है। तो इस प्रकार से आप इन पर अन्य प्रश्न देखते हैं कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का यहाँ पर प्रतिशत, तो ये हमें देखने को मिलता है 99.31%, सही ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन बी 99.31%। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बजट 2020-21 के आंकड़ों पर आधारित भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर से तो पूछा जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेटेस्ट वाला आंकड़ा आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला है बजट 2020-21 के वित्तीय वर्ष पर। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इसी प्रकार के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्व प्राप्ति दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2019-20 का पुनरीक्षित अनुमान आ चुका और 2020-21 का बजट अनुमान यहाँ पर ला दिया गया। तो 2019-20 का पुनरीक्षित अनुमान, अर्थात कि अभी तक जो भी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आप पढ़ रहे थे वो बजटीय अनुमान पर आधारित था, अब उससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर रिवाइज एस्टीमेट पर हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, 19-20 का पुनरीक्षित अनुमान वाला। और जो 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए जो एस्टीमेट किया गया है, अर्थात भविष्य काल की जो बात हो रही है, वो आंकड़े हमें 2020-21 के बजटीय अनुमान पर देखने को मिलेगा। अब कुछ यहाँ पर हमें अंतर देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले तो अंतर ये कहता है कि बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 में भिन्नता के कारण क्या हैं।
तो यहाँ पर 2019-20 के बजटरी एस्टीमेट मैंने नहीं लिखे हैं, आप इसे इकोनॉमिक सर्वे के किताब पर देखकर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर है वो ये है कि राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई और उसका मुख्य कारण था वाणिज्य कर, विद्युत शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीयन के संग्रहण में वृद्धि के कारण। तो चलिए प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित। तो प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कि बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 19-20 में राजस्व प्राप्ति में भिन्नता के संदर्भ में राज्य के कर राजस्व वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वाणिज्य कर, कि ऑप्शन बी है विद्युत कर, कि ऑप्शन की कथन, या फिर तीसरा फैक्टर स्टाम्प तथा पंजीयन का संग्रहण। तो ये तीनों ही कारण है, ये हमें इस पहले ही लाइन पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कूट रूपी जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी सही दिखेगा, क्योंकि 1, 2, 3 ये तीनों ही कर शामिल हैं कारण के तौर पर जो बजट अनुमान और पुनरीक्ष अनुमान पर भिन्नता बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित अन्य प्रश्न देखते हैं कि बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 19-20 में राजस्व प्राप्ति में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी केंद्रीय बजट के पुनरीक्षित अनुमान पर। तो आपको ये सेकंड स्टेटमेंट ही क्वेश्चन के रूप में होता हुआ दिख रहा है। दूसरा कथन कहेगा कि केंद्र से सहायता, ये तीसरा कथन हमें देखने को मिल रहा है। ये जो तीसरा पॉइंट है भिन्नता वाला, वो हमें दूसरे कथन पर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही कथन सही है भिन्नता के आधार पर, और हमें सही ऑप्शन मिलता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अन्य प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्व प्राप्ति में पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 तथा बजट अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण है। तो अब 19-20 और 20-21 में भिन्नता के कारण के लिए प्रश्न पूछा है। तो कथन एक कहता है कि राज्य के कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः वाणिज्य कर के राजस्व में अनुमानित वृद्धि के कारण है, पहला कथन। दूसरा कथन कहता है कि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि केंद्रीय बजट अनुमान अनुसार अनुमानित अधिक राशि प्राप्त होने के कारण है। तो ये भी आपको तीसरे पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। और तीसरा कथन कहता है कि केंद्र से सहायता अनुदान में कमी भारत सरकार से केंद्रीय योजनाओं में अनुमानित कम राशि प्राप्त होने के कारण है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कमी, लेकिन तीसरे कथन पर आप जाएं या तीसरे पॉइंट पर जाएं तो हमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो सही ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार से आप सही ऑप्शन तक पहुंच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राजस्व व्यय के ये जो विवरण दिए गए हैं इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। देखिए 2019-20 पर जो पुनरीक्षित अनुमान लाया गया वो 85,125 करोड़ रुपए लाया गया, और जो बजट के लिए अनुमानित किया गया था वो कितना था, 78,594, अर्थात व्यय जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा हुआ। और 2020-21 के लिए कितना व्यय यहाँ पर करने का निर्णय लिया गया है, अनुमान लगाया गया है, वह 81,399.95 करोड़। प्रश्न कहता है कि सत्य कथन का चयन करें। पहला यहाँ पर है कथन कि बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में वृद्धि 8.31% की है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। कथन दो कहता है कि पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 से बजट अनुमान 2020-21 में कमी का प्रतिशत 4.38% है, तो ये भी हमें देखने को मिल गया। ये भिन्नता के कारण पर आधारित प्रश्न है। कूट रूपी ऑप्शन है केवल 1 सही, केवल 2 सही, कि 1 और 2 दोनों सही, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही। तो भिन्नता किस किस वजह से है, तो ये भिन्नता कहीं पर वृद्धि तो कहीं पर कमी के कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित या फिर इस पूंजीगत व्यय पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो अभी तक हमने राजस्व व्यय पर आधारित प्रश्न देखा, अब हम पूंजीगत व्यय पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि पूंजीगत व्यय के संदर्भ में पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 तथा बजट अनुमान 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको ये वृद्धि देखने को मिलेगी 17.7%। तो सही ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आप देखेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वीरता का कारण होती है, इसलिए भले ही आपको ऑप्शन ए सही ऑप्शन मिल जाए लेकिन आप बाकी ऑप्शन पर भी नज़र डालने की आदत हमेशा बनाए रखेंगे। तो सही आंसर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बजट का सार पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राज्य का राजस्व, तो कर राजस्व में कितना है, कर भिन्न राजस्व में कितना है। तो जो बजटीय अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान जो है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बजट के रूप में। और ये वाले बजटीय अनुमान अभी आपने देखे हैं आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पे। तो आर्थिक सर्वेक्षण पर यहाँ तक अपडेटेड था, जब बजट आया 2020-21 का तब ये वाले आंकड़े आ चुके थे और इसका हमने एस्टिमेट निकाल लिया। तो हमें ये तीनों ही पढ़ने हैं, ये वाला इसलिए पढ़ना है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पर दिया गया है, और ये दोनों इसलिए पढ़ना है क्योंकि बजट 2020-21 पर दिया गया है। तो सभी को नहीं पढ़ना है, लेकिन मेजरली फैक्ट को तो आपको पढ़ना होगा कि जिसमें कर प्राप्ति, कर और राजस्व व्यय के बारे में बात हो, जिसमें घाटों से संबंधित बात हो, अधिक और न्यूनतम वाली कुछ बात हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। किसका चयन करें? असत्य विकल्प का। तो पहला कथन कहता है कि राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से प्राप्तियों राज्य के राजस्व प्राप्तियों में तुलनात्मक रूप से अधिक है। ये हमेशा सही होता है कि जो केंद्र का होता है वो हमेशा आपको अधिक ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी कहता है कि राजस्व प्राप्ति में केंद्र से प्राप्तियों के अंतर्गत केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा सहायक अनुदान से अधिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सहायक अनुदान कुछ इस प्रकार से, तो आपको सहायक अनुदान क्या देखने को मिल रहा है? कम देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों में सर्वाधिक अंश शुद्ध लोक ऋण का है। तो पूंजीगत प्राप्ति पर आप चलेंगे और शुद्ध लोक ऋण पर आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसी का है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? असत्य कथन हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही कथन हमें सही देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के आपको प्राप्तियां और व्यय दिख रहे हैं और उनके सामने उनकी मूल्य राशि दिख रही है। तो राजस्व प्राप्ति हमें बजटीय अनुमान 2020-21 के लिए दिखता है 83,831 करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्ति हमें दिख गया ए का टू। फिर दिखता है कि पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्ति हमें यहां पर दिख रहा है 12,259 करोड़ रुपए, तो ये हमें दिख गया बी का वन, और सी फिर हो गया सी का थ्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सही ऑप्शन के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि जिसमें ए का टू होगा, बी का जिसमें वन होगा और सी में जिसका थ्री होगा वो सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन पर खोजते हैं कि ए का टू, बी का वन और सी का थ्री कहाँ पर है, तो ये है हमारा ऑप्शन बी पर, और इस प्रकार से ये हमारा सही उत्तर बन गया। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में कुल व्यय से सर्वाधिक अंश, कुल व्यय से सर्वाधिक निम्नलिखित में से किसका है? तो कुल व्यय में से सर्वाधिक व्यय, सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो चलिए देखते हैं, राजस्व व्यय कि पूंजीगत व्यय कि ऋण एवं अग्रिम की हम आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अर्थात जो आकस्मिकता निधि जाती है उसमें का हिस्सा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में विवरण आपको पूछा गया है और इसमें हमेशा जो सही उत्तर होगा वो राजस्व व्यय का ही होगा। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कि राजस्व व्यय का सबसे ज़्यादा। देखिए, अगर आप इस पर भी मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ लेकिन नहीं पूछूंगा, आपको बता दूं कि जब भी हम राजकोषीय नीति पर नज़र डालते हैं तो राजस्व व्यय उस प्रकार के व्यय को कहते हैं जिससे सरकार सामान्य तौर पर परिसंपत्तियों का या एसेट फॉर्मेशन नहीं करती। एसेट फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि कुछ इस प्रकार का खर्च करना जिससे सरकार को दोबारा से आय अर्जित हो। लेकिन जब हम पूंजीगत व्यय पर देखते हैं तो पूंजीगत व्यय पर ऐसे व्यय किए जाते हैं जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। तो सामान्य तौर पर तो यही लगना चाहिए कि पूंजीगत व्यय ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि राजस्व व्यय ज़्यादा है, अर्थात वो खर्च जाता है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, अर्थात ऐसे खर्च नहीं होते जिससे दोबारा से कुछ यहाँ पर बेनिफिट या इनकम गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं है, वो सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है, और इसके पूर्ति या इन उद्देश्यों की पूर्ति मुख्य रूप से राजस्व व्यय के माध्यम से की जाती है। तो सरकार को जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन सरकार राजस्व व्यय के माध्यम से करती है और उसका निर्वहन पूंजीगत व्यय के माध्यम से नहीं होता। इसलिए राजस्व व्यय हमेशा ज़्यादा होता है पूंजीगत व्यय की तुलना से। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं,
अन्य प्रश्न देखते हैं कि बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में पूंजीगत प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा सुनिश्चित करता है, तो पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका होगा? तो ये आपको पता है कि पूंजीगत प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो शुद्ध लोक ऋण का, अर्थात जो ऋण लेती है सरकार, उधार लेती है, उसे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, शुद्ध लोक ऋण। तो ये रिपीट हुआ है, इसका रिपीटिशन नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से जब सरकार पूंजीगत प्राप्ति में हिस्सा देखी जाती है तो उसमें उधारी का भागीदारी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति इस प्रकार की प्राप्ति है जो देता सृजन करें, तो इसमें उधारी भी आता है, और अगर सरकार आपके पीएफ फंड से भी अगर पैसे इस्तेमाल करती है तो ये भी गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है, इसको भी लौटाने के लिए सरकार बाध्यकारी होती है। अगर सरकार नोट छापती है तो ये भी गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब पूंजीगत प्राप्ति कहें तो इसका जो स्पष्ट या फिर सुस्पष्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी प्राप्ति जो लायबिलिटी क्रिएट करे। अब इसमें क्योंकि उधारी वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति मतलब उधार वाली राशि। तो ये आप समझ गए होंगे कि शुद्ध लोक ऋण क्यों सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से बजट 2020-21 और आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 5 पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़े और उनसे संबंधित पैटर्न पर प्रश्न भी हमने देख लिया। आगे के चैप्टर को अगले वीडियो पर हम कवर करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखिए और अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।